है श्री शिवा नमस्तुतेम, वेलकम टू माय चैनल कमली स्कूल एंड आर्ट। तो देखिए गाइस, आज मैं ये 3 नंबर और 2 नंबर लड्डू गोपाल की चोली लेके आई हूँ। और ये मैंने पहले से ही बना के रखी है गाइस। अगर आपको नहीं बनाने आती हो तो आप इसको, मैं इसकी लिंक दे दूँगी, वहाँ से आप बनाना सीख सकते हो। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। देखिए गाइस, सबसे पहले मैं इसका बेस बनाना स्टार्ट करूँगी। तो देखिए, यहाँ हम सामने से सिर्फ स्टिच कर देते हैं। तो इसकी जो बाजू है, यहाँ से हम बनाना स्टार्ट करेंगे इसके बाजू की सीध से। तो यहाँ से बनाना स्टार्ट करूँगी गाइस, बिल्कुल सिंपल और इजी बना रही हूँ। न्यू बिगनर भी बना सकते हैं इसको। तो देखिए, 1 चेन 2 चेन और 3 चेन, 3 चेन ले ली। एक ही चेन में, जिस चेन में हमने 3 चेन बनाई हैं उसी वाली में फिर दोबारा से हम इसी में डबल क्रोशिया कर देंगे। एक बार फिर, एक चेन में 2 बार कर दिए गाइस। अब देखिए, नेक्स्ट चेन में हम फिर दोबारा से एक बार लेंगे, एक बार, और फिर दोबारा से एक बार हो गया। अब इसी चेन में फिर दोबारा से हम एक बार और लेंगे। तो हमने टोटल एक चेन में 2 बार डबल क्रोशिया कर दिया है, फिर नेक्स्ट चेन में भी 2 बार, और फिर नेक्स्ट चेन में भी हम 2 बार करेंगे। तो गाइस, हर चेन में हमें 2 2 बार डबल क्रोशिया करते हुए आना है। और ये हमारा बेस का पहला राउंड है, तो आप देख सकते हो इस तरीके से। तो चलिए राउंड कंप्लीट करके दिखाती हूँ। अब देखिए गाइस, ये वाला हमारा राउंड कंप्लीट हो गया, फर्स्ट राउंड। अब जो हमने 3 की चेन बनाई है ये वाली, इसमें हम सिल्प स्टिच कर देंगे इस तरीके से। इसमें हमारी सिल्प स्टिच हो गई, आप देख सकते हो। अब इस वाले धागे को हम छोड़ देंगे और दूसरा धागा इसमें लगा देंगे। तो इसे मैं कट कर देती हूँ। अब देखिए गाइस, हम दूसरा धागा लगा रहे हैं इसमें इस तरीके से। ये दूसरा धागा कंप्लीट हुआ, और दूसरे धागे को हम, दोनों धागे को खींच के देखिए, 1 2 3, 3 चेन बना ली, 1 लॉक करने की चेन, और 3 चेन बन गई। अब 3 चेन हमने जहाँ बनाई है वहीं पर हम एक बार डबल क्रोशिया कर देंगे। तो देखिए, ये हमारी डबल क्रोशिया हो गई। अब देखिए, अब इसे नेक्स्ट चेन में हम 1 बार करेंगे। देखिए, 1 चेन में 2 बार हो गए। 1 3 की चेन को भी हम 1 डबल क्रोशिया काउंट करेंगे, उससे नेक्स्ट में 1 बार कर दी। फिर उससे नेक्स्ट वाली ये चेन है, इस वाले धागे को, पिंक वाले को छोड़ देंगे हम यहीं पर। और देखिए, 1 बार इसको ले लिया, 1 बार डबल क्रोशिया हो गई। अब देखिए, पहले हमने 1 चेन में 2 बार लिया था, उसके बाद नेक्स्ट चेन में 1 बार, अब नेक्स्ट चेन में 2 बार, क्योंकि ये 3rd नंबर की चेन है। तो 3rd नंबर की चेन में हमने 1 चेन में 2 बार डबल क्रोशिया कर दिया है। अब इसे नेक्स्ट चेन है, इसमें हम 1 बार करेंगे। गाइस, जब हम सिंपल बेस बनाते हैं तो हर पोशाक का इसी तरीके से बनता है, और मैं सिंपल ही बना रही हूँ। तो आपने देखा, 1 चेन में 2 बार और 1 चेन में 1 बार, फिर 1 चेन में 2 बार, फिर 1 चेन में 1 बार। अब इससे 3rd नंबर की चेन आएगी, उसमें हम इस तरीके से 1 बार कर दिया, और इसी चेन में फिर दोबारा से करेंगे, तो 2 बार हो गया। अब इससे नेक्स्ट चेन में हम 1 बार कर देंगे इस तरीके से। तो देखिए, हमारा इस तरीके से बन के रेडी हो गया। तो चलिए, मैं राउंड कंप्लीट करके दिखाती हूँ। अब देखिए गाइस, ये हमारा दूसरा राउंड भी कंप्लीट हो गया। जो हमने यहाँ पर 3 की चेन बनाई थी उसी के अंदर डालेंगे और सिल्प स्टिच कर देंगे इस तरीके से गाइस। अब देखिए, इस वाले धागे को मैं यहीं पर छोड़ दूंगी, अब इससे दूसरा धागा लगाऊंगी। इसको भी मैं इसी तरीके से लॉक कर लूंगी। पहले ये लॉक कर लिया, अब लॉक करने की चेन भी हम 1 काउंट करेंगे। और देखिए, ग्रीन कलर के धागे को हम खींच देंगे तो ये हमारा थोड़ा सा टाइट हो जाएगा। अब देखिए, 1 चेन हो गई, 2 और 3, 3 चेन हो गई गाइस, और 3 चेन हो गई। जहाँ हमने 3 की चेन ली है वहीं पर हम 1 डबल क्रोशिया कर देंगे। तो देखिए, 1 चेन में 2 हो गए। अब इसे नेक्स्ट चेन में मैं 1 बार करूँगी, अब फिर इससे नेक्स्ट चेन में 1 बार करूँगी। तो देखिए, 2 चेन में मैंने 1 बार कर दी, 2 बार कर दिया। अब 3rd नंबर की जो चेन है उसमें मैं 2 बार, 1 बार कर दिया, और इसी चेन में फिर दोबारा से कर दूँ।
तो दो चेन में हमने एक एक बार कर दिया और तीसरे नंबर की जो चेन है उसमें हमने दो बार कर दिया। अब देखिए इसे नेक्स्ट में एक बार करूँगी, फिर इसे नेक्स्ट चेन में एक बार करूँगी डबल क्रोशिया। अब तीसरे नंबर की चेन आ गई तो उसमें मुझे दो बार करना है, एक बार और फिर इसी चेन में करना है एक बार और। तो देखिए इसी तरीके से राउंड कंप्लीट करेंगे। तो चलिए राउंड कंप्लीट करती हूँ। देखिए गाइस अब हमारा ये राउंड भी कंप्लीट हो गया और तीन की चेन में मैं सिल्प स्टिच इस तरीके से कर दूंगी। अब दिखा देती हूँ आपको पूरा लुक कैसा लग रहा है इसका। तो देखिए इस तरीके से लग रहा है ये पूरा लुक इसका, देखिए ऐसी लग रही है ये हमारी पोशाक गाइस, देख सकते हो आप एकदम सिंपल और तीन राउंड की हमने बनाई है, बहुत प्यारी भी लग रही है गाइस। अब देख एक चेन ले ली, लॉक कर दिया मैंने दूसरा धागा और एक चेन ले ली। अब देखिए जहाँ मैंने चेन ली है उसी के अंदर डालूंगी, इस तरीके से निकाल लिया और फिर इसको धागा नहीं लपेटेंगे इस तरीके से, आगे वाले में से पीछे वाले को निकाल लिया। अब देखिए एक चेन बनाएंगे, चेन बना के फिर नेक्स्ट वाली डबल कुर्सिया में डालेंगे, इस तरीके से निकाल लिया। अब हम धागा नहीं लेंगे, इस वाले में से आगे वाले में से पीछे वाले को निकाल देंगे इस तरीके से। फिर हम एक चेन लेंगे और फिर नेक्स्ट डबल कुर्सिया में डालेंगे और इस तरीके से निकाल लेंगे और फिर इसको आगे वाले में से पीछे वाले को इस तरीके से निकाल देंगे। फिर चेन लेंगे और फिर नेक्स्ट वाली में डालेंगे इस तरीके से और फिर आगे वाले में से पीछे वाले को निकाल देंगे। फिर चेन लेंगे और फिर आगे वाले में से इस तरीके से डालेंगे डबल क्रोशिया और फिर आगे वाली में से पीछे वाली, इस तरीके से हमारी ये डिज़ाइन बनती हुई आएगी गाइस। आप देख सकते हो सिंपल एक चेन लेनी है और डबल क्रोशिया के अंदर डालो और फिर धागा नहीं लपेटना, इस तरीके से हम बनाते हुए आएंगे इस तरीके से। तो चलिए गाइस मैं राउंड कंप्लीट करके दिखाती हूँ आपको। अब देखिए गाइस ये हमारा कंप्लीट हुआ। अब मैं यहाँ पर सिल्प स्टिच जहाँ से हमने स्टार्टिंग करी थी वहीं पर हम इसको सिल्प स्टिच कर देते हैं इस तरीके से। दो चेन ली थी उसी चेन में पहली वाली में इस तरीके से और धागा एक चेन लेके धागा कट कर दूंगी। तो देखिए गाइस ये हमारी पोशाक बन के कम्प्लीट हो गई है। मैंने ये वाला घेर थोड़ा बेस ज़्यादा बनाया है, थोड़ा अलग हटके बनाई है, तो आप देख सकते हो गाइस इस तरीके की लग रही है। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा गाइस कैसी लग रही है पोशाक। आपको पसंद आई तो मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलना, क्योंकि मैं जो भी वीडियो डालूँगी बेल आइकन दबा दोगे तो आपके पास सबसे पहले पहुँच जाएगी गाइस। देखिए इस तरीके की लग रही है और बहुत प्यारी भी लग रही है। इस पोशाक को आप बड़े साइज में भी बना सकते हो। अब देखिए गाइस मैं इसकी कैप बनाना स्टार्ट करूंगी, तो कैप कैसे बनाते हैं वो अभी आपको दिखा देती हूँ मैं। देखिए गाइस सबसे पहले हम इस तरीके से इस धागे को अपनी फिंगर पर लपेटेंगे इस तरीके से और डबल कर देंगे और इस वाली फिंगर से इस तरीके से लेके और अंदर वाले धागे को हम बाहर की तरफ ऐसे डालेंगे और फिर इसको इस तरीके से लॉक कर देंगे। ये हमारा लॉक हो गया, फिर फिंगर हम अपनी निकाल लेंगे और देखिए इसको हम थोड़ा सा छोटा कर देंगे गाइस, तो छोटा हो गया। अब देखिए एक चेन ले लेंगे, एक लॉक करने की चेन हो गई और एक चेन हमने अलग से ले ली गाइस, तो हमारी हो गई दो चेन। अब देखिए ये सर्किल है, इस सर्किल में हम सिंगल डबल कुश हाफ डबल कुशिया बनाएंगे गाइस इस तरीके से, तीन हो गए और तीनों को एक साथ निकाल देंगे और पहले इसे छोटा कर लेते हैं। ये छोटे वाले धागे को खींच देंगे तो ये हमारा होल छोटा हो जाएगा। तो देखिए एक दो की चेन और एक डबल क्रोशिया दो हो गए। अब इसी के अंदर फिर हम दूसरा डालेंगे तो तीन हो गए, फिर एक और बार डालेंगे चार, फिर एक और बार डालेंगे पाँच, फिर एक और बार डालेंगे छः और एक और बार डालेंगे तो हमारे हो गए सात। सात बार हाफ डबल क्रोशिया कर दी गाइस हमने। अब इसको हम छोटे वाले धागे को पकड़ के खींच देंगे और होल छोटा कर देंगे, बिल्कुल दिखे ना, इस तरीके से हमारा आ गया। अब जहाँ से हमने बनाना स्टार्ट किया था दो की चेन में, तो उसी के अंदर हम इस तरीके से डालेंगे और इसे सिल्प स्टिच कर देंगे। अब फिर एक चेन लेंगे इस तरीके से और फिर यहाँ पर हम दूसरा धागा लगा देंगे।
वाले धागे को लॉक कर दिया। दोनों धागों को पकड़ के खींच देंगे और देखिए एक चेन बनाएंगे। एक चेन बन गई। चेन बनने के बाद देखिए जो हमने 6 हाफ डबल क्रोशिया बनाई थी, जहाँ हमने एक चेन ली है उसी के अंदर डालेंगे और एक हाफ डबल क्रोशिया बना देंगे। फिर दोबारा से इसी चेन में फिर दोबारा डालेंगे इस तरीके से। तो हमारी यहाँ पर एक चेन में 2 बार हाफ डबल क्रोशिया कर दिया हमने। फिर से नेक्स्ट चेन में भी हम इसी तरीके से हाफ डबल क्रोशिया कर देंगे, एक ही चेन में 2 बार। और हाफ डबल क्रोशिया हमें करना है दूसरे कलर से। फिर देखिए इससे नेक्स्ट 6 के डबल कर देंगे। 6 हाफ डबल क्रोशिया बनाई थी हमने मैजिक सर्किल में, उसी के ऊपर हमें हर चेन में 2-2 बार डबल क्रोशिया करते हुए आना है इस तरीके से। देखिए हर चेन में मैं 2-2 बार हाफ डबल क्रोशिया करते हुए आ रही हूँ और ये हमारी डबल हो जाएंगी, 6 की 12 हो जाएंगी। अब देखिए जहाँ से हमने स्टार्टिंग किया था वहीं पर आ गए हम इस तरीके से। अब सब धागों को हम थोड़ा थोड़ा खींच देंगे जिससे कि हमारा होल चौड़ा ना हो। अब देखिए जहाँ से स्टार्टिंग किया था वहीं आ गई, तो 2 की जो चेन ली थी हमने वहाँ पर हम स्लिप स्टिच कर देंगे इस तरीके से, देख सकते हो आप। अब इसको हम थोड़ा सा इस तरीके से देखेंगे, देखिए कितना प्यारा लग रहा है। अब एक चेन लेंगे इस तरीके से और इस धागे को हम कट कर देंगे और इससे इस तरीके से हमारा ये बन के आया है। अब देखिए गाइस, अब जहाँ से हमने ये धागा कट किया था उसी के अंदर हम लॉक कर देंगे दूसरे धागे को और एक चेन बना ली, लॉक कर दी हमने। अब देखिए एक चेन ले लेंगे जहाँ लॉक किया है वहीं पर, एक लॉक करने की चेन, एक अलग से चेन ले ली हमने। अब जहाँ लॉक किया है उसी के अंदर हम सिंगल डबल क्रोशिया एक बार कर देते हैं। फिर उससे नेक्स्ट चेन में भी हम इसी तरीके से एक बार सिंगल डबल क्रोशिया कर देते हैं, फिर नेक्स्ट चेन में एक बार सिंगल डबल क्रोशिया कर देंगे। तो गाइस ये वाले जो धागे हैं इनको भी हम साथ में ले लेंगे जिससे कि ये कोई भी धागा दिखे नहीं और गंदा ना लगे, इस तरीके से हम ले लेंगे इस तरीके से। सिंगल डबल क्रोशिया के साथ हम धागे भी साथ में ले लेंगे और ये पूरा राउंड हमें एक बार सिंगल डबल क्रोशिया के साथ एंड करना है इस तरीके से। तो मैं करके दिखाती हूँ आपको। अब देखिए गाइस ये राउंड हमारा कंप्लीट हुआ। अब हमारी ये 2 की चेन थी उसी के अंदर हम सिंगल डबल क्रोशिया से स्किप, देखिए हमने स्किप नहीं किया, हमने सिंगल डबल क्रोशिया से जॉइंट कर दिया। अब देखिए फिर एक चेन लेंगे हम यहीं पर और फिर इससे नेक्स्ट चेन में सिंगल डबल क्रोशिया हम करेंगे, फिर दोबारा एक और राउंड करना हमें इसी तरीके से सेम। देखिए हर चेन में हमें एक एक बार ही करते हुए आना है और फिर गाइस 2 राउंड हो जाएंगे हमारे ग्रीन के। और फिर उसके देखो पहले हम 2 राउंड तो ग्रीन कलर के कर देते हैं, अभी करके दिखाती हूँ आपको गाइस। हर सिंगल डबल क्रोशिया से हमें कंप्लीट करना है पूरा इस तरीके से। तो चलिए कंप्लीट करके दिखाती हूँ। अब देखिए गाइस ये हमारा इस तरीके से कंप्लीट हो गया, आप देख सकते हो। अब मैं इसमें ये जो हमारी पिंक कलर की डिज़ाइन डली हुई है ये वाली, यही डिज़ाइन डालूंगी गाइस, मगर मैं इसमें पिंक कलर की डिज़ाइन नहीं डालूंगी, मैं इसमें कलर चेंज कर दूंगी, येलो कलर के धागे से मैं डिज़ाइन डालूंगी। तो चलिए डाल के दिखाती हूँ। तो देखिए जहाँ से हमने ये हमने लॉक कर, अब देखिए एक चेन ले लेंगे, एक चेन लेके फिर नेक्स्ट चेन में हम इस तरीके से डालेंगे थोड़ा सा। हाफ डबल क्रोशिया है तो टाइट घुसता है, या इसमें डबल क्रोशिया ये क्रोशिया हो थोड़ा सा लूज लेना जब आप बनाओ तब, इस तरीके से हो गया। अब इसको हम इसी तरीके से निकाल देंगे, फिर एक चेन लेंगे और फिर नेक्स्ट हाफ डबल सिंगल डबल क्रोशिया में डालेंगे
और इसे ऐसे निकाल देंगे। और फिर हम इसी तरीके से फिर एक चेन लेंगे और फिर देखिए नेक्स्ट चेन में डालेंगे और फिर इस तरीके से ले आएंगे और फिर इसको ऐसे निकाल देंगे। फिर देखिए एक चेन लेंगे, फिर नेक्स्ट चेन में हम इसी तरीके से डालेंगे और इसको आगे वाली फंदे में से पीछे वाले फंदे को निकाल देते हैं इस तरीके से। फिर हम एक चेन ले लेंगे और फिर नेक्स्ट सिंगल डबल क्रोशिया में डालेंगे इस तरीके से और फिर हम इसको इस तरीके से निकाल देंगे। तो देखिए गाइस हमारी ये डिज़ाइन बन के आ रही है। इसी तरीके से मैं पूरा कंप्लीट करके दिखाती हूँ आपको। फिर हम इस तरीके से डालेंगे, निकल गया गाइस, और फिर नेक्स्ट में डालेंगे और फिर इसी तरीके से हम निकाल देंगे। तो हर चेन में मैं इसी तरीके से करती हुई जाऊंगी गाइस। एक चेन लेनी है और नेक्स्ट चेन में इस तरीके से डालते हुए फंदा निकाल देते हैं बिना धागे को लिए। गाइस आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं कमेंट करके ज़रूर बताया करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो। इसी तरीके से ये राउंड मेरा कंप्लीट होने जा रहा है। देखिए जहाँ से स्टार्टिंग किया था वहीं पर आ गए हम इस तरीके से। देखिए एक चेन लेके अब जहाँ से स्टार्टिंग किया था वहीं पर मैं डालूँगी इस तरीके से और इसे स्लिप स्टिच करके एक चेन लेके इसे कट कर दूँगी। अब देखिएगा इसी ये हमारा इस तरीके का फाइनल लुक आया है बनके, इस तरीके से देख सकते हो आप। और ये हमने सिंगल डबल क्रोशिया से लिया है गाइस, तो इसके फंदे थोड़े से टाइट हो जाते हैं। और देखिए हमारी पोशाक किस तरीके से लग रही है और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा गाइस। आप देख सकते हो कैसी लग रही है मुझे कॉमेंट ज़रूर करना और अगर पसंद आए तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना, एक कॉमेंट ज़रूर करके बताना। तो चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। देखिए तब तक के लिए बाय बाय।